Hi kids, how are you all doing? Welcome to your English class. Today we are going to start with a new book. क्या start कर रहे हैं आज हम? एक नई book start कर रहे हैं. चलिए, इसका नाम क्या है book का? Literary Journeys and English Reader Pre-Primer Book by Brain Road Series. तो आज ये नई book के अंदर सबसे पहले जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वही बहुत ज्यादा आपको वही पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा, बिकॉज वो एक बहुत म्यूजिकल चैप्टर है. म्यूजिकल चैप्टर मतलब क्या है, देख लीजिए, आप नाम पढ़ लीजिए. सिंग अ सॉन्ग, राइट? तो इसके अंदर हमें एक सॉन्ग गाना है, राइट? पर अब आप सोच रहे होंगे इंग्लिश में हम सॉन्ग कैसे गा सकते हैं. चलिए देखते हैं, मैं आपको बताती हूँ. देखिए, यहाँ पे हमको ए बी सी डी मतलब एच से लेके जेड तक पूरी ए बी सी डी दी हुई है. सही बात है, बिल्कुल राइट. आपको इसको एक सॉन्ग के वे में सीखना है. किस वे में सीखना है? एक गाने के वे में. अगर आप कोई चीज एक गाने के वे में सीखेंगे सो यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर. आपको वो चीज बहुत अच्छे से समझ आएगी. आपको बताए ये बात, अगर आपको अभी तक नहीं समझ आई ये चीज, चलिए ट्राई करते हैं, इसको एक गाने के फॉर्म में गाते हैं और फिर आप देखना कि आपको कितना मजा आने वाला है और कितने अच्छे से ए टू जेड याद हो जाएगी. चलिए. ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू ई डब्ल्यू एक्स X, Y, Z, put the butter on the bread. If you don't like it, better go to bed. Next Monday morning, come to me. I will teach you A, B, C. कितना अच्छा था ना ये, कितनी अच्छी राइम हमने सीख ली, राइट? अब हम इसको फिर से बोलेंगे, बट अब आपने सुन लिया कैसे बोलनी है. अब आप मेरे साथ साथ बोलिए, ठीक है? हम थोड़ा स्लो बोलेंगे एंड साथ साथ बोलेंगे, ठीक है? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी U E W X Y C X Y C put the butter on the bread. If you don't like it, better go to bed. Next Monday morning, come to me. I will teach you A B C. देखो कितनी अच्छी राइम थी. अब आई एम श्योर आप सबको कितने अच्छे से ओरली ए टू जेड आ गया है. और आपने कैसे सीखा ये? गाना गा के सीखा, बाय सिंगिंग, राइट? सो अब हमें ओरली ए टू जेड बहुत अच्छे से आ गई है, राइट? आप इसको रोज प्रैक्टिस करें, रोज इस राइम को अगर आप गाएंगे तो आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगी और आप इंजॉय भी करेंगे, राइट? सो वेन एवर यू आर बोर्ड यू शुड सिंग दिस ए टू जेड. इससे आपकी ए टू जेड की भी रिविजन हो जाएगी और आपको एंजॉयमेंट भी फील होगी. ओके किड्स, समझ आई मेरी बात? चलिए, सो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर, सिंग अ सॉन्ग. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर.